हेलो गाइस, दिस इज विजय फॉर टेक। आज हम बात करने वाले फिर से नए टेक न्यूज के बारे में सेक्शन इन द न्यूज। सो लेट्स बिगिन। तो गाइस, सबसे पहले न्यूज निकल के आते हैं सैमसंग गैलेक्सी एस 11 ई को लेके। काफी अच्छा इसका डिस्प्ले माना जा रहा है जो कि आप पिक्चरों में देख रहे हो। तो ये फोन जल्दी से लॉन्च होने वाला है, लेकिन आई थिंक ये लॉन्च फरवरी मार्च के अंदर होगा। तो ये फोन आने वाला है अपने एक्जिनस 990 स्नैपड्रैगन या 865 दोनों में से एक प्रोसेसर के साथ। हमेशा सैमसंग लॉन्च करता है एक्जिनस 990 को इंडिया के अंदर, और जो ग्लोबल वेरिएंट होने वाला है वो होने वाला है स्नैपड्रैगन 865 के साथ। सरप्राइजिंगली फोन एग्जैक्टली फोन आप सही सोच रहे हो कि 5G को भी सपोर्ट करने वाला है, और सरप्राइजिंगली 3900 mAh के इसके अंदर बैटरी होने वाला है, और डिस्प्ले काफ़ी इसका इंक्रेडिबल होने वाला है। तो अगली न्यूज़ निकल के आते हैं सैमसंग के गैलेक्सी होम मिनी को लेके। सैमसंग गैलेक्सी होम मिनी जल्दी से लॉन्च होने वाला है, और काफ़ी इंटरेस्टिंग सा फीचर ये साथ लेके आने वाला है। इस गैलेक्सी होम मिनी स्पीकर के अंदर होने वाला है इंफ्रारेड, जो कि जो डिवाइसेस आपके घर के अंदर है अगर वो इंफ्रारेड पे काम करते हैं, मतलब रिमोट पे चलते हैं, अगर वो स्मार्ट डिवाइस नहीं है फिर भी आप उसे स्मार्ट कर सकते हैं सिर्फ गैलेक्सी होम मिनी स्पीकर के साथ। तो अगली न्यूज़ गाइज निकल के आती है मी मिक्स 3G को लेके। शाओमी सैमसंग शाओमी हमेशा न्यूज़ में रहते हैं। अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो एक भी दिन ऐसा नहीं होता सैमसंग न्यूज़ में नहीं है या फिर शाओमी न्यूज़ में नहीं है, हमेशा दोनों भी। कई बार तो ऐसा होता है कि सारी न्यूज़ तो शाओमी और सैमसंग की होती है। तो MI के मी मिक्स 5G को लेके लीक लॉन्च हुआ है, लीक निकल के आया है। तो लीक के अंदर ये बताया गया है कि ये फ़ोन आने वाला है 6GB प्लस 128 की इसके अपने वेरिएंट के साथ। साथ में होने वाला है और एक वेरिएंट जिसके अंदर होने वाला है मिलने वाली है आपको 8GB के रैम और 256GB का इंटरनल स्टोरेज। ये इंडिया में लॉन्च होता है नहीं होता ये देखने वाली बात होगी, लेकिन MIUI 11 इसके अंदर होने वाला है। साथ में आपको इसके अंदर मिलने वाला 6.39 inches का OLED डिस्प्ले, जो कि आने वाला रिजन 2340x1080, मतलब फुल HD प्लस डिस्प्ले के अंदर होने वाला है। स्नैपड्रैगन का 855 प्रोसेसर, 3800 mAh की बैटरी, क्विक चार्ज 4+ का सपोर्ट, 10W का वायरलेस चार्जिंग, 24MP का सेल्फी स्नैपर। साथ में आपको 2MP का सेल्फी कैमरा मिलने वाला डेप्थ सेंसिंग के लिए। 12MP के दो कैमराज होने वाले पीछे की साइड, और फोन एक सरप्राइजिंग सा पैकेज अपने साथ लेके आ रहा है। तो कीमत अगर अच्छी होती है तो फोन आई थिंक, और स्लाइडर डिज़ाइन तो मेमिक्स का फिक्स होता है, तो स्लाइडर डिज़ाइन के साथ ये फ़ोन आने वाला है। तो अगली न्यूज़ निकल के आते हैं नोकिया 8.2 को लेके। 5th of December 2019, मतलब जैसे ही स्नैपड्रैगन का क्वालकॉम का इवेंट ख़त्म होता है उसी दिन 5 दिसंबर को एग्जैक्टली नोकिया लॉन्च करने वाला है अपना नया फोन नोकिया 8.2। देखना ये होगा कि ये कौन से प्रोसेसर के साथ आता है। अगर ये एडवांस अगर एक प्रोसेसर लेके आता है तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा ये पैकेज हो जाता है। तो ये फ़ोन आने वाला है अपने साथ 8GB की रैम, 256GB की बिल्ट इन स्टोरेज के साथ। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 730 का प्रोसेसर के रूमर्स है। आई थिंक ये 735 ऐसा कुछ अगर लेके आता है तो अच्छा होगा। अगर 730 के साथ आता है तो कंपटीशन काफ़ी स्ट्रांग है 730 के प्रोसेसर को लेके। 18-19 हज़ार के बीच उसके फ़ोन मिल जाते हैं। तो अभी देखना ये होगा कि ये फ़ोन किस प्राइस पॉइंट पर आता है और अपने साथ कौन से नए फीचर्स लेके आता है। अगर थोड़ा महंगा भी होता है तो आप इसे परचेस कर पाए तो एक रीज़न तो होना चाहिए। तो 32MP का फ्रंट फेसिंग शूटर होने वाला है, 4 कैमराज का सेटअप होने वाला है पीछे की साइड, और साथ में कुछ बजट फोन्स है जो जिसके अंदर नोकिया 2.3 और नोकिया 5.2 भी लॉन्च हो सकते हैं। तो अगली न्यूज़ निकल के आती है AI को लेके। तो AI अपनी वॉइस रिप्लिकेट कर सकता है 5 सेकंड के अंदर, और गूगल ने इसे डेवलप किया है। जैसे कि मैंने गूगल के बारे में एक वीडियो ऑलरेडी बना के रखी थी हटके के अंदर, तो वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलना। तो डीप माइंड एक कंपनी है जो कि गूगल से जुड़ी हुई, उन्होंने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप किया है। आपको मेरे लिए 5 सेकंड सुनने के बाद वो एग्जैक्टली आपकी वॉइस रिप्लिकेट कर सकता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग से ये भी न्यूज़ आती है। तो इसके अंदर 3 कंपोनेंट्स मेजर कंपोनेंट्स है, जिसे हम कह सकते हैं कि एक स्पीकर, इनकोडर, एक सिंथेसाइजर और वोकोडर। तो ये 3 मेजर कंपोनेंट्स की मदद से ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके वॉइस को रिप्लिकेट कर सकता है इजीली। तो अगली न्यूज़ निकल के आती है गाइस प्राइस को लेके, मोबाइल प्लान्स की प्राइस को लेके। तो मोबाइल के प्लान्स 1 दिसंबर से आई थिंक ये बढ़ जाने वाले हैं, और इनकी बढ़ोतरी होने वाली मिनिमम 10-15%, तो मैक्सिमम 15% है। मतलब पकड़ के चलो अगर आप 100 रुपये का भी महीने का रिचार्ज कर रहे हो या फिर आपका 100 रुपये का बिल है तो आपको 15% ज़्यादा, मतलब 115 रुपये देने होंगे। अगर आप 300 रुपये का रिचार्ज करते हो तो 15×345, मतलब 345 रुपीज़ का आपका अभी से रिचार्ज हो जाएगा दिसंबर से। तो अभी तक आपने अगर रिचार्ज नहीं करवाया तो 1 साल का मिनिमम रिचार्ज जो होता है वो आप जल्दी से करवा लेना, ताकि आप इस प्राइस हाइक से बच सके। तो आज के लिए बस इतना है इन द न्यूज़ में, आज के लिए बस इतनी ही न्यूज़ मुझे मिली थी। तो यहाँ तक साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
लाइक कर देना हमेशा की तरह, शेयर कर देना। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम जल्दी से 450 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने वाले हैं। मेहनत काफ़ी होती है, आपका सपोर्ट चाहिए, तो हम जल्दी से 500 भी कंप्लीट कर लेंगे।